फ्रेंड्स, श्री राधा रानी न सिर्फ ब्रज धाम की महारानी है बल्कि कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी है। मान्यता है कि श्री कृष्ण को पाने या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुनी काफी है। राधा नाम के जप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और श्री राधा रानी की कृपा उस पर बरसती रहती है। यूं तो राधा रानी के कई नाम है लेकिन ब्रज में उन्हें राधा के अलावा किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण से वह जहाँ भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देख ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुंचे तो वहाँ उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देखकर श्री राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें यूं मुस्कुराता देखा तो वह क्रोधवश राधा रानी को भी श्राप देने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए उनसे निवेदन किया, वह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने का पीछे का कारण जान ले। जब अष्टावक्र जी ने कारण पूछा तो श्री राधा रानी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया। श्री राधा रानी ने कहा कि वह अष्टावक्र जी के अंतर्मन में समाये श्री कृष्ण की छवि देखकर हंस रही हैं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान, उस ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि श्री राधा रानी को आनंदित हो रही है। राधा रानी की पूर्ण बात अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोरावस्था में रहने का वरदान दे दिया। किशोरावस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को किशोरी जी कहने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। तो ये थी श्री राधा रानी के किशोरी नाम पढ़ने के पीछे की कथा। आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।